दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 5,04,410 हो गई। मुतासिर अफराद की तादाद 1,02,43,859 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,28,437 अफराद मौत के मुंह में चले गए। ब्राजील में 57,568, बरतानिया में 43,550 और भारत में 16,487 अफराद लुकमे अजल बन गए। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,28,437 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 26,37,070 हो चुकी है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक के फहरिस्त में ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की तादाद 13,45,254 तक जा पहुंची है, जबकि ये वायरस 57,568 जिंदगियां निकल चुका है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 43,550 हो गई है, जबकि केसेस की तादाद 3,11,151 हो चुकी है। भारत कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना से 16,487 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीज अब 5,49,197 हो गए हैं। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमू अमवात 34,738 हो चुकी हैं। स्पेन में वायरस के अब तक 2,95,850 मुसद्दका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 28,343 हो गई हैं। पेरू में कोरोना वायरस के बाद 9,317 हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि यहां कोरोना केसेस 2,79,419 रिपोर्ट हुए हैं। चिली में कोरोना वायरस से जान बाँच होने वालों की तादाद 5,509 हो गई है। मैक्सिको में कोरोना वायरस से कुल अमवात की तादाद 26,648 हो गई है। वायरस से रूस में कुल अमवात 9,073 हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 6,34,437 हो गई है। ईरान में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 10,508 हो गई है, जबकि कुल केसेस 2,22,669 हुए हैं। सऊदी अरब में वायरस से अब तक कुल अमवात 1,551 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 1,82,493 तक जा पहुंची है।